हेलो एवरीवन, आज हम पांच शब्द याद करने की कोशिश करेंगे। याद कर नहीं, बेसिकली याद तो गलत वर्ड होगा। आज हम पांच वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे और बहुत ही यूनिक स्टाइल से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में भी आपको मीनिंग दिया हुआ है, प्लस क्या नाम है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो पहला वर्ड जो है वो आपका क्या है, अब्रिजमेंट। कई बार आपने सुना होगा कि अब्रिजमेंट जो है, ठीक है, अब्रिजमेंट का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को क्या करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टेन करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा है, एक इलॉन्गेटेड फॉर्म में है। सपोज यू हैव रिटन अ आंसर इन 250 वर्ड्स और आप उसको छोटा करना चाहते हैं, तो बोला जाता है कि ब्रीफ योर आंसर। मीन्स क्या, टू शॉर्ट इन दैट थिंग। सो यू कैन यूज दिस वर्ड, इट इज कॉल्ड अब्रिजमेंट। ठीक, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर दैट दिस पर्सन आमिर खान हैज शॉर्ट इन द डिक्शनरी ऑफ सी प्लस प्लस। बहुत बड़ी सी बुक को बहुत छोटा बना दिया है, तो शॉर्ट इन या ब्रीफ हम बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड अब्रिजमेंट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे चले, अकम्प्लिश। आपने बचपन में ये कार्टून जरूर देखा होगा, ठीक है, और इस कार्टून में इस प्राणी को भी देखा होगा, इस क्रीचर को भी देखा होगा। दिस क्रीचर इज वॉज ऑलवेज दी अकम्प्लिस। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा अकम्प्लिश और एक होता है क्या, अकम्प्लिस। ध्यान रखिएगा, एक होता है अकम्प्लिश जिसमें लास्ट में एस एच आता है, तो एस एच वाला जो होता है वो होता है कि यू हैव अटेंड समथिंग और यू हैव अचीव समथिंग। ठीक, और दिस अकम्प्लिस इज कॉल्ड कि यू आर सपोर्टिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। ये चीज याद रखिएगा, सपोर्टिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, या किसी गलत काम कोई कर रहा है या किसी गलत काम के आप भागी हैं, तो यू आर दी अकम्प्लिस ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, या फिर मैं और वर्ड बोलूं तो अबेट। अबेट का मतलब भी यही होता है, सपोर्ट समवन इन रॉन्ग डूइंग। ये वर्ड भी याद रखिएगा, ठीक है। सो अकम्प्लिस इज पर्सन हु सपोर्ट समवन इन रॉन्ग डूइंग, और व्हेन यू सपोर्ट अ क्राइम यू आर दी अकम्प्लिस ऑफ दैट क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। ये देखिए, बहुतों के मुंह में पानी आ गया होगा। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिड। एक्रिड जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक्रिड का बेसिक मतलब जो होता है वो होता है तीखा। अब हम इसको ऐसे कैसे यूज करेंगे, व्हेन वी हैव अ पर्सन हु इज वेरी हार्श, ठीक है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पर्सन कैसा है, ही हैज अ एक्रिड बिहेवियर। या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं, दैट पर्सन इज एक्रोमोनियस। एक्रोमोनियस मीन्स कि वो बहुत ही हार्श है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक, एंड ही यूज फाउल लैंग्वेज। तो ऐसे पर्सन को हम एक्रिड या ऐसे बिहेवियर को बोल सकते हैं, और ऐसे पर्सन को वेहमेंट भी बोल सकते हैं, या ऐसे बिहेवियर को भी हम वेहमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक्रिड, अगर आपको कोई चीज खा रहे हैं वो बहुत तीखा है, सो यू कैन से दैट दैट दिस इज एक्रिड। एंड अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, तो यू कैन से दैट पर्सन इज एक्रिमोनियस, या फिर आप ये कह सकते हैं हार्श, या फिर आप वो कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज वेहमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड पे चले। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अडैज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग मैनी अ टाइम्स दैट लव इज ब्लाइंड। सो अगर आप लव इज ब्लाइंड की बात करें, तो ये जो है, ये चीज जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अटैच कहते हैं। हिंदी में हम लोग कहते हैं कहावत, ठीक है। सो द फेमस सेइंग जो होती है, ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ईडियम्स और अटैच में अंतर होता है। ईडियम्स आर दी एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो लिटरेचर एक्सप्रेशंस हैं उनको हम ईडियम कहते हैं, बट जो फेमस सेइंग है, जैसे छोटी छोटी जो कहावतें हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अडैज बोलते हैं, ठीक। लास्ट वर्ड पे चलें आज के। सो द लास्ट वर्ड इज एडल।
एडल बेसिकली दिस वर्ड हैज बीन डिराइव फॉर एग. सो इफ यू हैव अ रॉटन एग सो यू विल से दैट दैट एग हैज बीन एडल्ड. बट राइट नाउ और इन द करेंट सिनारियो वी कैन यूज दिस वर्ड इन द नॉर्मल लाइफ और इनफॉर्मल लाइफ. वी कैन से दैट दिस पर्सन हैज एडल्ड माई लाइफ. ठीक, यू आर सफोकेटेड बाय दैट पर्सन और यू आर नॉट इन द मूड ऑफ नो टॉलरेटिंग दैट पर्सन. सो यू कैन से दैट दैट पर्सन इज वेरी एडलिंग इन नेचर. मीन्स क्या कि दैट पर्सन इज रॉटन, हिज बिहेवियर इज नॉट एट ऑल गुड. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.